हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना सिखाऊंगा। सुपर ऑसम फीचर है ये एमएस वर्ड का, बहुत प्यारी चीज। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है आइए यहां देखते हैं। ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट जिसमें कि आप देख पाते हैं कि कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या रेफरेंसेस हैं, वो टेबल ऑफ कंटेंट में लिखा रहता है कि कितनी क्या क्या चीज़ें इस किताब के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। बिलीव यू मी, ये एक मिनट के अंदर बनता है। ये देखिए अब क्या करा है मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ले लिया माई बुक, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर्स लिख दिए, चैप्टर 1, 2, 3, 4। और अगर मैं यहाँ पे आगे जाऊँ, नेक्स्ट पेज पे मैंने कुछ और लिख दिया, टेस्ट 1, 2, 3, ठीक है। अब टेबल ऑफ कंटेंट अगर मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँगा, तो आइए वो हम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या सीखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट डिलीट कैसे करते हैं। ये बना बनाया टेबल ऑफ कंटेंट था, मैंने इसको यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर दिया। अब अगर मेरे को टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है तो यूजली सबसे पहले पेज पर बनाना चाहिए, जहाँ पर भी बनाना है आपको उसको, आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और जाइए रेफरेंस टैब में और जाइए टेबल ऑफ कंटेंट में। यहाँ पे ये दो ऑप्शंस रहते हैं, ऑटोमेटिक का और फिर मैनुअल का। मैनुअल बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है। ऑटोमेटिक टेबल 1 या टेबल 2 कुछ भी चुन लीजिए और बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। हमने यहाँ पे क्लिक करा और ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट अपने आप बन गया। इसने अब ये चैप्टर 1, 2, 3, 4 और टेस्ट 1, 2, 3 ही क्यों लिया और इसने ये माई बुक टेबल ऑफ कंटेंट क्यों नहीं लिया, उसका एक कारण है। तभी आप भी जब बनाएं तो इसी चीज का ध्यान रखें। टेबल ऑफ कंटेंट में जहां जहां पे आप हेडिंग्स लेंगे वो उसको अपने आप हेडर्स के हिसाब से टेबल ऑफ कंटेंट में ले लेगा। आपको अगर आपको लगता है कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट में उसको डालना है तो उसको हेडिंग से फॉर्मेट करें, हेडिंग 1 या 2 से उसको फॉर्मेट करें, तभी वो लेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल कैसे दिखाता हूं। यहां लीजिए मैं लिख रहा हूं यहां पर चैप्टर 5, लेकिन मैं इसको हेडर नहीं दे रहा हूं, हेडिंग वाला फॉर्मेट नहीं दे रहा हूं। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं चैप्टर 6, लेकिन इसको मैं दूंगा हेडिंग का फॉर्मेट। तो देखिए क्या होगा। अब हम सीखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कैसे करते हैं। अपडेट टेबल, ठीक है, अपडेट पेज नंबर्स ओनली या पूरा टेबल। अब अगर आपने पेज नंबर ज्यादा बढ़ाए हैं घटाए हैं तो सिर्फ वो अपडेट हो सकता है या फिर आपका पूरा टेबल। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं पूरा टेबल। अब देखो 1, चैप्टर 1, 2, 3, 4 के बाद सीधा 6, जबकि मैंने चैप्टर 5 भी लिखा था, वहां पर लिखा था ना, लेकिन मैंने उसको रेफरेंस नहीं दिया था, इसके लिए वो अपडेट नहीं हुआ। सेम गोज यहां पे टेस्ट के लिए। अगर मैं यहां पे एक और पेज ऐड कर देता हूं तो देखिए वो पेज भी टेबल ऑफ कंटेंट में रेफरेंस में आ जाएगा। इसको QUIZ क्विज 1, क्विज 2 और इसको हम हेडिंग दे देते हैं। नाउ वी गो टू आवर टेबल ऑफ कंटेंट, यहां पे जाएंगे अपडेट ऑल टेबल कर देंगे और ये देखिए यहां पे क्विज 1, क्विज 2 भी आ गया, पेज नंबर 4 भी आ गया, है ना बढ़िया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगले वीडियो तक का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए दिस इज योर गुरु साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी लर्निंग।